everyone, welcome and welcome back to our channel. My name is Renu Gaur and I'm a makeup lover. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंस्पायर लुक करूँगी और ये इंस्पायर लुक उसी से है जिसे इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. सो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रो को डिफाइन करने ब्रो पोमेड यूज़ कर लिया है, उसे मैं अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी अपनी आईब्रोज़ को. और मैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करूँगी उसे, जो मेरी लाइन है, हेयर लाइन है, हेयर ग्रोथ है, उसी एरिया में उसे यूज़ करूँगी. देन उसके बाद ये ओलिविया का पेन स्टिक से मैं अपने आईलिड पर कंसील कर लूँगी. और अगर आप शाइमरी को देखोगे तो नेचुरली बहुत सुंदर हैं, और मैं एकदम सेम तो नहीं कर पाऊँगी उनकी तरह, बट हाँ मैं बहुत नियरेस्ट जाने की कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा लुक उनके साथ मैच हो जाए मेरा. मैंने ये लुक इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ मेरे पास वो सेम कलर की साड़ी थी जो उन्होंने वेयर किया था इस लुक में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लुक कर लेती हूँ. और मुझे उनसे इंस्पायर मेकअप करना था तो मैंने दो लुक सोच रखे हैं और एक ये कर दिया मैंने. इसके बाद नेक्स्ट और मैं देखूँगी, जब भी टाइम मिला मैं एक लुक और है जो मैं उनसे इंस्पायर होकर करूँगी. देन उसके बाद गाइज मैंने जेल लाइनर लिया है और उसको अपनी लैश लाइन पे अप्लाई करूँ थिक लाइनर की तरह. अगर आपको कोई स्मोकी करना है तो बेस में अगर आप ब्लैक यूज़ करोगे तो उसका इंटेंस बहुत अच्छा आएगा. देन उसे एक मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी जैसे उन्होंने सेम ब्लेंड किया था. आई मेकअप डिट्टो सेम हुआ है पर फेस फीचर्स अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था. देन उसके बाद मैं ब्रॉन्जर की हेल्प से डैप दे दूँगी अपनी आईलिड पर, डैप क्रिएट करूँगी, प्रोडक्ट को लूँगी और सेम ब्लेंड करती रहूँगी एक ब्लेंडर, एक आई ब्लेंडर की हेल्प से. देन मैंने इंटेंस के लिए दोबारा से उसे रीअप्लाई किया और फिर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन शो ना हो. और गाइज ये मार्श का आई शेडो पैलेट मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ अपने किसी लुक में. तो जो उन्होंने साड़ी पहनी थी उसमें उन्होंने ग्रीन स्मोकी लुक किया था, सेम मैंने वही एग्जैक्ट आई शेडो पैलेट तो मैंने यूज़ नहीं किया है, डिफरेंट है, बट हाँ आई मेकअप उनसे सिमिलर है. तो ब्लैक के ऊपर मैंने ये डार्क शिमरी ग्रीन कलर पिक किया है और इसका इंटेंस बहुत अच्छा आ रहा है. अगर आप ब्लैक के ऊपर ब्लू अप्लाई करोगे और ग्रीन अप्लाई करोगे तो उसका इंटेंस बहुत अच्छा आएगा. सो उसके बाद मैं एडीएस का ये लूज़ ग्लिटर अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पर. और साइमा दी ने जो यूज़ किया था वो था यूरोप गर्ल का ग्लिटर, वो भी मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो था मैंने उसी से अप्लाई कर लिया. देन उसके बाद गाइज मैं ये नेचुरल फाउंडेशन पिक कर रही हूँ, ये मेबलिन फाउंडेशन है. इसका कवरेज बहुत हाई नहीं है, ये मीडियम कवरेज देता है बिकॉज अभी मेरी स्किन बहुत ड्राई है. नॉर्मली ऑयली होती है मेरी समर में, बट इस समर में मेरी स्किन ड्राई हो रही है डिहाइड्रेशन की वजह से. तो मैं क्रीमी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ बजाय ड्राई के. सो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे, देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन अब ओलिविया कंसीलर से मैं अपने हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर लूँगी और उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड भी कर लूँगी. देन उसके बाद मैंने लूज ग्लिटर लिया है मार्श का और उसे अपने अंडर एरिया पे अप्लाई करूँगी, पूरे फेस पर नहीं करूँगी. और उसके बाद मैं डस्ट आउट कर दूँगी साथ में बिकॉज अभी स्किन बहुत ड्राई है तो मुझे पूरे फेस पे अप्लाई करने की नीड नहीं थी उसे. देन उसके बाद मैं ये NYB की कंसीलर अप्लाई कर लूँगी. ये कंटूर के लिए मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने डार्क शेड बाय किया था और जब से मैंने ये बाय किया है तब से कभी यूज़ नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. और ये मैंने 100 रुपीज़ का बाय किया था तो उसे मैं कंटूरिंग के लिए अपनी नोज़ पे लगा लूँगी, होल ऑफ द चीक्स एंड जो लाइन पर और फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया वो मेरी हेयर लाइन से मैच हो जाए, मतलब अलग से शो ना हो.
देन अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी विथ माय ब्यूटी ब्लेंडर ताकि कोई हार्श लाइन शो ना हो। देन उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन के ब्रॉन्जर से मैं उसको लॉक कर लूँगी ताकि वो मेल्ट ना हो। देन फर्स्ट टाइम इस वीडियो में मैं एले इस वीडियो में नहीं मैंने यूज़ ही नहीं किया जब से बाय किया है एले गर्ल का ब्लशर पैलेट मैं यूज़ करूँगी और ये बहुत ज़्यादा पिंक हो गया है तो मैं उसे डिफ्यूज़ कर लूँगी विथ माय ब्यूटी ब्लेंडर। देन नेक्स्ट मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी और ये भी मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ इसको यूज़ कर लूँगी आज इस वीडियो में। प्लस मेरा फेवरेट हाइलाइटर है वो टूट गया है इसलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। देन मैं अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लूँगी और वाटर लाइन के नीचे एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए ब्रॉन्जर कलर को मैं अच्छे से मर्ज कर लूँगी। देन ये द बॉडी शॉप ब्रांड का मस्कारा यूज़ कर लूँगी। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट में अप्लाई कर लूँगी। इस बार मैंने ये यूज़ किया है इस लुक के लिए बिकॉज सहमति ने जो लुक इस लुक में जो लिपस्टिक वेयर की थी वो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है तो मैं इस लिपस्टिक पैलेट से मिक्स एंड मैच करके वो सिमिलर कलर बनाने की कोशिश करूँगी। सो यस गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा और थोड़ा सा सिमिलर लगा होगा सहमति से बिकॉज वो नेचुरली बहुत सुंदर हैं और मैंने थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश की है। और आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने किसी यूट्यूबर का लुक इंस्पायर होके किया है। तो फोटो आपने ऑलरेडी देख लिया है आपको थोड़ा सा सिमिलर लगा कि नहीं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और हाँ गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू गाइज बाय।